हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। आज वट सावित्री व्रत है, मुझे उसके लिए रेडी होना है, इसलिए सारा काम फटाफट कर रही हूँ। मैंने पूजा की सामग्री रात में ही रेडी कर लिया था और पूजा का जो बनता है वो मैंने बना लिया था। बरगद बनते हैं वो हमने बना लिया था। अब मेरा सारा काम हो गया है, मैं फटाफट रेडी होने जा रही हूँ। मैं स्किन पे कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, ट्रू डर्मा की सनस्क्रीन जल यूज़ करती हूँ हमेशा के लिए, वही यूज करूँगी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। मेरे साथ है आंटी, भाभी जाएंगी, न्यू भाभी जाएंगी, उनकी शादी अभी हुई है। चलिए आपको मिलाते हैं उनसे। ये भाभी हैं, बहुत सुंदर हैं, भैया हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आंटी आगे बैठी हुई हैं। भाभी बहुत सुंदर है, देखिएगा। और मैंने सब कुछ भूल गए हैं, सोचा था कि बिंदी लगाएंगे, नथ पहनेंगे, सारा रेडी करके रखा था, बट भूल गए हैं। यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हम बरगद को जनेऊ पहना रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा कि वट वृक्ष पूजा क्यों की जाती है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल भी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये हर साल जेठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। सभी सुहागनी औरतें इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए सुखी विवाहिक जीवन की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। और इस दिन ये व्रत इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपको पता होगा ये व्रत, आपने सुनी होगी कथा, सत्यवान सावित्री की कथा इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये व्रत सभी सुहागनी औरतें इसको मनाती हैं, क्योंकि जो सावित्री थी जिनका नाम था जिससे ये व्रत चालू हुआ, वे बहुत चतुराई से यमराज को मात देकर अपने पति के प्राण, सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। इसलिए ये सुहागनी औरतें अपने पति की लंबी कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और पूरा सोरा श्रृंगार करती हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग की पूजा हो रही है, कुछ लोगों की हो भी गई है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट आए थे तो फटाफट हम लोग भी करने की कोशिश, लेकिन टाइम लग ही जाता है। भाभी हैं, उनको भी पता नहीं कैसे पूजा करना है। एक्चुअली क्या है, उनका फर्स्ट टाइम है, तो आंटी बताती जाएंगी, भाभी करती जाएंगी। बहुत ज़्यादा है, हम लोग कन्फ्यूज है कहाँ पर बैठे, जगह कहीं भी मिल जाए। फिर हम लोग एडजस्ट हो गए हैं, देखिए बना लिए बैठने की। नीचे साफ नहीं था, बहुत कंकड़ लग रहे थे, लेकिन पूजा पे ही ध्यान था, कंकड़ों पर इतना ध्यान नहीं था। हम सभी लोग यहाँ पर 12 फेरे लगाए जाते हैं चने के, जो भी किया जाता है 12 बार ही किया जाता है। 12 धागा जो भी हम पहनते हैं वो भी 12 बार बनता है। हम लोग बरगद भी खाते हैं, उनको वो भी हम लोग 12 ही बनाते, सारी चीज़ें 12 बार ही यूज होती है। जल भी चढ़ाते हैं 12 बार चढ़ाते हैं, सब कुछ 12 बार किया जाता है। तो हम लोग अभी बरगद के परिक्रमा कर रहे हैं। आंटी भाभी आगे हैं, बीच में हमें आंटी हैं, तो अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। वट सावित्री व्रत के बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है, जिससे वैवाहिक जीवन में कभी संकट के बाधा नहीं आते। इसलिए वट वृक्ष पूजा इस दिन करना शुभ माना गया है। पूजा हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर गौरी माँ को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं हम, और आरती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आरती होगी, धूप दिखाई जाएगी। हवन की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, आंटी हवन लेके आई थी, तो आरती हो रही है यहाँ पर। भाभी गा रही थी, आंटी गा रही थी, हम मंत्र पढ़ रहे थे। हमें आरती नहीं आती है, और देखिए हमें मंत्र आ रहा था, तो हम मंत्र पढ़ के आरती कर रहे थे। और यहाँ पर आंटी ने हमको जैसा समझाया हम लोग वैसा कर रहे हैं, और एक दूसरे को भाभी नंद पहना रही हैं। और आंटी कह रही गलत मत कर देना, क्योंकि हम दोनों ने मिस्टेक कर ही दिया था लेकिन अच्छे से बाद में कर लिया, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग 11 चने
और एक बरगद का फूल लेंगे, उसको एक सांस में पानी के साथ अंदर लेना है, गुटकना है। भाभी के लिए पहली बार है तो ले लेंगी, ऐसा नहीं है लेकिन पहली बार जो होता है ना कि कैसे अंदर जाएगी इतने सारे चने और बारा, भाभी कोशिश में लगी है। हमने फटाफट चने खाने के बाद बरगद बारा जो होते हैं ना, जो कोच में डाले थे हैं, अब उसको खाना है। हम बारा बरगद वहाँ तो नहीं खा पाएंगे, पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, लग रहा था पानी बहुत ज़्यादा पी लें, ऐसा लग रहा था। दो तीन खाने के बाद घर पे बरगद खाए जाते हैं, तो इस खा रहे हैं सब लोग, आंटी भी खा रही हैं, भाभी अपनी नथ संभाल रही हैं, निकल गई थी। और इसके बाद गौरी गौरी माँ से सिंदूर लेंगे, और भाभी पंखा भाभी सिंदूर ले चुकी हैं, इसलिए वो पंखा दे रही हैं उनको और पैर दबा रही हैं। आंटी का भी हो गया, अब हम गए हैं, पंखा कर रहे हैं और उनके पैर दबाएंगे। पूजा संपन्न हो गई, इसके बाद हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। घर में अंदर आने से पहले गेट की पूजा करेंगे और फिर इसके बाद हम अंदर आ गए। इनको बैंक सभी पापा के पास घर पे थी, क्योंकि वहाँ ले जाना सही नहीं लग रहा था हमें, धूप बहुत थी और सभी सो भी रही थी, तो घर पे हम छोड़ के गए थे पापा के पास सभी को। हम आकर इनको तिलक किया है, तिलक करने के बाद इनको प्रसाद दिया है, प्रसाद इन्होंने खा लिया है। पानी देना हम भूल ही गए थे पानी उस टाइम दिमाग नहीं काम किया था। अब इनके पैर छुएंगे, आशीर्वाद इनसे ले लिया। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब।